गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वशिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अरे वाह, आपको याद है कौन सा श्लोक? अच्छा, देखिए भगवान कृष्ण का उपदेश जो चल रहा है, एक बात तो भगवान ने कही कि ज्ञान निष्ठा के मतलब संन्यास के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, संन्यासेन अधिगच्छति। ठीक है, तो ये निष्ठा कैसे प्राप्त हो सकता है? नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, 49वां श्लोक में बताया। इसके बाद 51 के श्लोक के आरंभ में सा इयम् ज्ञानस्य परानिष्ठा उच्यते कथम कार्या इति, आपने जो ज्ञान निष्ठा की बात आप करते हैं उसका उसकी प्राप्ति कैसे हो? ठीक है, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कैसा संभव है? तो भगवान कहते हैं 51 श्लोक में, बुद्धिया विशुद्धियाया युक्त द्रुत्यात्मानुयम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेष उदस्य च विविक्तदेशसे विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ये सब सारे गुण बताया। इसके बाद अनेन क्रमेण ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ये भी हम कर चुके हैं। समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का जो अभ्यास करने से अच्छा। इसके बाद में इस श्लोक में भगवान एवं भूतो ज्ञान निष्ठा मद्भक्तिम मयि परमेश्वरे भक्तिम भजनम पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। यहाँ पे जो भक्ति का प्रस्ताव आया है वह भक्ति, यहाँ पे भक्ति का मतलब ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा रूपी पराभक्ति, क्योंकि भक्ति जब हम भजन करते हैं किसकी आराधना? भजन माने द्वैत आ गया है,
चतुर्थी भक्ति, चतुर्थी भक्ति माने भगवान सातवें अध्याय में कहा है कि चार प्रकार के लोग मेरी आराधना करते हैं। आवाज बढ़ाओ। एक है आर्तः, आर्त माने जो मुश्किल में पड़े हुआ आदमी आर्तनाद करते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। तो ये है। तीसरा क्या है? अर्थार्थी, पैसा मांगने वाला, संपत्ति मांगने वाला अर्थार्थी। फिर ज्ञानी। देखिए चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के भक्त लोग मेरे भजन करते हैं, उसमें चतुर्थी भक्ति क्या है? ज्ञान। देखिए भाई, ज्ञान माने भक्ति कैसे हो सकती है? मतलब यहाँ भक्ति माने ज्ञान रूपी, ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति, पराभक्ति। जिस पराभक्ति हम जब कहते हैं, पराभक्ति का मतलब ज्ञान निष्ठा, ठीक है। चतुर्थी, चतुर्थी माने चौथा, चौथा माने आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। ततः ज्ञान लक्षणया, उसके बाद उस ज्ञान लक्षण के द्वारा, उस ज्ञान लक्षण को प्राप्त करके, ज्ञान लक्षण माने पराभक्ति, पराभक्ति माने ज्ञान निष्ठारूपी भक्ति, ज्ञान निष्ठा माने, यहां पे ज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान, अनुभव, ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति, यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। अभी भक्ति के द्वारा मेरी उपलब्धि होती है। भक्ति माने यहाँ पर ज्ञान निष्ठा, ये यहाँ पे भक्ति का मतलब ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति। उस भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा वे मुझे जान सकते हैं, जानते हैं। वो जानता है, किसको जानता है? माम, माम माने परमेश्वरम, ईश्वरम, सर्वव्यापिनम ईश्वरम जानाति। कैसा जाता है, जानता है? यावान, देखिए यावान माने मैं जितना हूं, यश्च अस्मि यहाँ च अस्मि जो हूं। देखिए वो दोनों रूप से ज्ञानी, ज्ञान रूपी पराज्ञान निष्ठा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद, हाँ भगवान कह रहे हैं उसको ज्ञान होता है। किसका ज्ञान? यश्च यावान प्लस यश्च अस्मि, मैं जितना हूं। यावान माने जितना बड़ा है, तो वो तो अनंत है। आप पर पूरा भाष्य सुनने के बाद बात करेंगे। जितना हूं और जो हूं तत्वतः वे जानते हैं। देखिए यावान माने भगवान शंकराचार्य कहते हैं जितना हूं, जितना हूं माने अहम उपाधिकृत विस्तरस विस्तर भेद, उपाधिकृत विस्तर भेद, इसका विस्तार जो है, अनंत विस्तार को, इस सारी विभूतियों को विस्तार के रूप में
भगवान का जो अंत नहीं है उस विस्तार विभूति सहित माने उपाधि सहित ये परमात्मा जो है पहला उनको भी जान लिया। माने एक ही परमात्मा सभी उपाधियों के द्वारा भास रहा है, वो जहां तक इसकी सीमा कितना है वो जान लिया। माने वो तो इसकी जो आकृतियां हैं जो उपाधि है सब परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव ऐसा ज्ञान उनको होता है। किसको? भक्त को। भक्त माने ज्ञान निष्ठा रूपी भक्त को, जिसको ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति मिली उसको। ठीक है, सर्व उपाधि भेद उत्तम पुरुष आकाशकल्प तम माम अद्वैतम चैतन्यमात्र एकरसम अजम अजरम अमरम अभयम अनिधनम तत्वतः अभिजानाति। ये अनुभव हो जाता है ध्यान में, ये सारे उपाधियों को एक 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 छोड़ने से, एक एक उपाधि ध्यान में ये अनुभव सिद्ध होता है कि मैं आकाश रूपी हूँ, न गुण है न रूप है कुछ नहीं है। तो उत्तम पुरुष मैं कौन हूँ, यानी वास्तव में क्या है, आकाशकल्प आकाशवत तम माम अद्वैतम चैतन्य चैतन्य मात्र एक रसम बोहो। वो अनुभव में इसमें क्या है, बस सब कुछ चैतन्य एक रस ही है। अभी अहम का मतलब क्या है, शरीर युक्त अनुभव हो रहा है, हाथ पैर वाला हूं या भावुक हूं भावनाओं से युक्त, या भूखा भूख प्यास से युक्त प्राणमय शरीर से जुड़ गया हूं, सुख दुखी सुख दुखों से जुड़ गया हूं, मन में बुद्धि में अनेक विकल्प संकल्पों के साथ जुड़ गया हूं। अब इन सब के रहित जो अहंकार भान होता है वह है इसका अनुभव आकाश रूप आकाशवत सर्वव्यापकम। तो चैतन्य मात्र एक रसम, आकाश कहने से जड़ हो जाएगा, आकाशवत सर्वव्यापकम, मगर किससे भरी है, चैतन्य रस से भर गया। एक रसम माने अद्वैतम। तो अजम जिसका जन्म नहीं है, अजरम जरा बूढ़ा क्षीण नहीं होता बुढ़ापन नहीं है, अमरम देखिए मरण भी नहीं है, अभयम भय भी नहीं है, अनिधनम अंत नहीं है, तत्वतः अभिजानाति इस रूपी माम मुझको यावानश्च यश्च अस्मि सर्वोपाधि भेदः उत्तम पुरुष माने सभी उपाधियों से परमात्मा का ही प्राकट्य है। ये भी ज्ञान हुआ माने उपाधि रहित ज्ञान जो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान कैसे संभव, कैसे ये होता है उसका ज्ञान, उनका ज्ञान चैतन्य एक रस मात्रम आकाशवत सर्वव्यापकम। ये ज्ञान अनुभव होने से फिर क्या होगा, इस रूप में मुझे जानता है, यावानश्च यश्च अस्मि तत्वतः माम अभिजानाति। इस कैसे जानते हैं, भक्ति के द्वारा, भक्ति माने ज्ञान रूपी निष्ठा, ज्ञान निष्ठा के द्वारा। ओके, आगे कुछ गंभीर विषय है, विचार भगवान प्रकट करते हैं, अभी देखेंगे धीरे धीरे। ततः माम एवं तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम माम एव। ततः इसके बाद माम एवं तत्वतः ज्ञात्वा मुझको ऐसा तत्वतः तत्व की दृष्टि से, तत्वतः माने सार ग्रहण करके मुझे जो जानने के बाद विशते तदनंतरम मुझमें वो प्रवेश कर लेता है।
ठीक है। योग शास्त्रों में बताया गया कि क्योंकि मनोनाश नहीं होता इतना आसानी से, तो निर्विकल्प समाधि कहा गया कि कुछ कम से कम कुछ समय तक उसमें निष्ठा की प्राप्ति होनी चाहिए। माने एक बार समाधि भी एक क्षण के लिए आ गया चला गया, आ गया चला गया, निष्ठा नहीं मिलती। 28 and a half minutes उस स्थिति में रहने के बाद फिर मन का नाश हो जाता है। कुछ कुछ शास्त्रों में बताया गया। हाँ जी, हाफ मिनट्स उस पर रहना है। उसका भी एक कुछ है, संशय का बारा, विकल्प का बारा, ऐसा कुछ एक। मगर वहां पे मनोज्ञान जब बाद में फिर मन का नाश हो जाता है, इससे पहले मन डूबता है, पहले उसमें डूबा माने बाहर आ सकता है। इसलिए भगवान हनुमान एक उदाहरण देते, मैं बताया आपको कि एक कुएं में जो बाल्टी डालकर पानी हम बाहर लेते हैं, पानी को बाहर खींचने से पहले पानी में डूबना है, सॉरी बकेट पानी में डूबना है। डूबा हुआ बकेट को ये अनुभव होता है कि मैं जल में प्रवेश किया हूँ, जल के साथ जो बकेट में भरा हुआ पानी भगड़ भर गया, अंदर डूब गया, तो सभी और एक का अनुभव हुआ है। मगर भेद के लिए उसमें भी और भी कारण बाकी है। क्या कारण है? रस्सी अपने हाथ में है तो बाहर खींच सकते हैं। तो डूबकर बाहर आना निष्ठा नहीं हो सकता। एक बार मन का नाश हुआ फिर वापस नहीं आता। एक महात्मा जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, दक्षिण के मैं उनका दर्शन करके आया हूं, दक्षिण के हैं, अभी वो नहीं है शरीर में। उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद कुछ समय के बाद फिर उठ गए, 4-5 घंटे के बाद। उठने के बाद पूर्व स्थिति के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा। वे बोलते थे कि वो आदमी मर चुका है, नया आदमी निकला है, बिल्कुल नया। कुछ लोग शक भी किए कि वही प्रवेश किया तो और कोई जीव प्रवेश हुआ क्या इसके अंदर। तो ये एकदम मनोनाश हो गया है। इसलिए गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों को हम कहते हैं वो साक्षात ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, क्योंकि वहां पे उनमें व्यक्तित्व नहीं है, समष्टि चैतन्य का ही प्राकट्य हो रहा है। इसलिए यहां पे तत्वतः माने तत्व दृष्टि से जानने के बाद ही मुझ में प्रवेश होना संभव है। प्रवेश होने के बाद फिर कोई भेद नहीं रह जाता, पानी में मिल गया, नदी सागर में मिल गए, फिर कोई भेद, जो मिला हुआ पानी उसी पानी को फिर वापस खींचना लाना असंभव, कभी नहीं आ सकता। नदी बाहर नहीं आ सकती है। इसी तरह ज्ञात्वा माम विशते तदनंतरम, तत्काल उसी काल में तदनंतरम मुझ में प्रवेश कर जाता है। अब यहां पे भगवान समझा रहे हैं, न अत्र ज्ञान अनंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विविक्षते ज्ञात्वा
विशते तदनंतरम इति। देखो जानना एक क्रिया हुई, जानने के बाद उसमें प्रवेश होना दूसरा क्रिया, दूसरी क्रिया, माने दो क्रियाएं हैं क्या वहां पे, जानना फिर प्रवेश करना, ऐसा विवक्ष इसमें नहीं है। जानना ही प्रवेश होना है। ज्ञान अनंतर प्रवेश क्रिये, भिन्न क्रिया नहीं है ये, भिन्न भिन्न क्रिया ये नहीं है। जानना प्रवेश होना, जानकर अंदर प्रवेश हुआ नहीं, जानना ही प्रवेश होना है। इसलिए यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं न अत्र ज्ञान अनंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते। यहां पे ये ज्ञान प्रवेश जैसी क्रिया भिन्न रूप से और एक दूसरी क्रिया है, इसका विवक्षा ऐसा नहीं है, इसका समझ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति। किम तरहि फलांतर फलांतर अभाव ज्ञान मात्रम एव क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। माने यहाँ पे अनंतर का फल क्या है, इमीडिएटली नो गैप, जानना ही प्रवेश करना हुआ, प्रवेश होना ही जानना है। जैसे कि एक सॉल्ट डॉल, नमक से बनी पुतली, सागर को जानकर प्रवेश हुआ नहीं, सागर को जानना माने सागर के अंदर प्रवेश हुआ, प्रवेश जानने के बाद फिर विलीन हो गया नहीं, जानना ही विलीन होना, एक दूसरी क्रिया नहीं है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ, वो तो भगवान तो कहते दिया क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ वास्तव में ईश्वर ही है। ये बहुत गंभीर रूप से विचार करने से ही ऐसा ज्ञान मिल सकता है। पहला संशय रहित ज्ञानम संभव है। ठीक है, वहाँ अलग है, वहाँ पे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, यहाँ पे क्षेत्रज्ञ माने वो जीव ही है, जीव स्वरूप है, यहाँ पे तत्वतः जीव चैतन्य रूप ही है। वहाँ पे उत्तम पुरुष का अलग बताया, क्योंकि उपाधिबद्ध से, उपाधियों से इसका नाम दिया गया है 15वां अध्याय में। तो यहाँ पे क्षेत्रज्ञ कौन है, वास्तव में परमात्मा ही है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भक्ति ज्ञान रूपी भक्ति के द्वारा वे मुझे जो हूँ जैसा हूँ तत्वतः वे जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जानना प्रवेश होना ये दो क्रियाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति चाहिए, माने ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त करना है। इस बात को लेकर के पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है, क्योंकि ज्ञान में निष्ठा क्या बात होती है, ये कैसा प्रयोग किया आपने ज्ञान निष्ठा, देखे क्या करेंगे वो, क्या कहते हैं, ननु विरुद्धम इदम उक्तम। आप तो विरुद्ध बात कह रहे हैं, जो बात कही है आपने ये बैठता नहीं, ये विरुद्ध है। कौन सी बात विरुद्ध है भैया, उक्तम, क्या आपने क्या कहा, ज्ञानस्य या परानिष्ठा, ज्ञान में परानिष्ठा की प्राप्ति के द्वारा माम अभिजानाति, ज्ञान की निष्ठा के द्वारा, ज्ञान में निष्ठा के द्वारा वे मुझे जानता है, ऐसा आपने कहा। जो परानिष्ठा, ज्ञान की जो परानिष्ठा है, उस परानिष्ठा के द्वारा मुझे जानता है, आपने ऐसा कहा। कथम विरुद्धम इति चेद, ये बात विरुद्ध है। आप पूछोगे कैसा विरुद्ध है, मैं आपको समझाऊंगा। उच्यते यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञान निष्ठां
ज्ञान आवृत्ति लक्षणाम अपेक्षते इति। अब उसको किताब दिमाग से अलग से रखकर थोड़ा सुनिएगा। देखिए ज्ञान कैसा हो सकता है, कैसा होता है ज्ञान है? जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान आपको होता है, जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान आपको होता है या मिलता है, उसी समय उस वस्तु का ज्ञान आपको मिल गया। फिर यहां पे बार बार आवृत्ति क्यों करनी है निष्ठा के लिए? ज्ञान में निष्ठा की बात क्या होती है? जिस समय आपने जान लिया उस समय ही जान लिया, उसमें निष्ठा के लिए बार बार आवृत्ति करनी क्या नहीं है? ये जरूरी नहीं है। ज्ञान ऐसा नहीं होता। जिस समय आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। ये कुर्सी है, ज्ञान हुआ, हुआ। आवृत्ति जरूरी है क्या? ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, इसमें निष्ठा की प्राप्ति होनी चाहिए? नहीं। तो ये ज्ञान निष्ठा क्या है? परानिष्ठा। तो यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम् उत्पद्यते, जिस विषय वस्तु का ज्ञान होता है, जिस विषय का ज्ञान होता है ज्ञाता को, तदा एव तम विषयम् अभिजानाति, उसी समय उस विषय को जान लेता है, वस्तु को जान लेता है। ज्ञाता इति, ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञाता जानता है वस्तु को। न ज्ञान निष्ठाम ज्ञानवृत्ति लक्षणाम अपेक्षते, ज्ञान आवृत्ति लक्षणाम, आवृत्ति माने बारंबार बारंबार करना ज्ञान, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता ज्ञान। तो ज्ञान में परानिष्ठा के द्वारा माम अभिजान आती, ये क्या बात होती है? मैंने ब्रह्म को जान लिया, फिर बाद में बारंबार आवृत्ति लक्षण करके निष्ठा प्राप्त करके बाद में उसका फिर दोबारा ज्ञान हुआ, ये क्या संभव है? क्या बात कर रहे हैं आप? नापेक्षते, ज्ञान के बारंबार आवृत्ति करना रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति न अपेक्षते इति। इसकी अपेक्षा कोई नहीं करते, अपेक्षा माने अपेक्षा नहीं करते। ततश्च ज्ञानेन न अभिजानाति, ज्ञानवृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया अभिजानाति इति विरुद्धम, दैट इज मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान से नहीं जानता, ज्ञान आवृत्ति रूपी निष्ठा को प्राप्त करने के बाद ही ज्ञान होता है विषय का, ये विरुद्ध बात है, ये संभव नहीं है, ये गलत है। समझ आ गया बात आपको? प्रश्न समझ आया कि नहीं पहले बताओ। सपोज आप कहेंगे कि समझ, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये तो मुझ पर भगवान कृपा ही मानता हूँ क्योंकि ये सारा विषय छोड़कर आगे जा सकता हूँ। नहीं समझ में आ गए तो फिर जवाब देना पड़ता है। सबको समझ में आ गया प्रश्न? अच्छा, तो मेरे प्रारब्ध ठीक नहीं है। मैं सोचा कि समझ में नहीं आया तो छोड़ देंगे। आपको समझ में आ गया प्रश्न? अभी देखिए, न एष दोषः, आवृत्ति ज्ञान निष्ठा रूपी बोलता है ना, इसमें दोष कोई नहीं है। क्या है ज्ञान निष्ठा का मतलब क्या है, ये अभी भगवान आचार्य समझा रहे हैं। निष्ठा का मतलब क्या है? ठीक है, न एष दोषः, ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यद् आत्म अनुभव निश्चय अवसानवत्वम् तस्य निष्ठा शब्द अभिलापात। पहला यह है ज्ञान की स्वात्मोत्पत्ति, माने ज्ञान की अपनी उत्पत्ति, स्वात्मोत्पत्ति माने अपनी उत्पत्ति, और परिपाक, परिपाक माने परिपक्व होना। तो ये ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक, ये दोनों कुछ हेतुओं से युक्त है। ज्ञान का हेतु क्या है? कुछ हेतु चाहिए ना, हेतु के बिना ज्ञान में परिपक्व संभव नहीं है।
जो कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान ठीक है या नहीं, हेतु चाहिए। हेतु रूपी ज्ञान को या समझ को बताने वाला कौन है? गुरु हो सकता है, गुरु होता है। समझ आ गया बात? हेतु माने सम कॉजेस दैट प्रोड्यूस नॉलेज। तो बोते बता रहे हैं स्वात्म उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक। परिपाक माने मैच्योरिटी, ज्ञान की मैच्योरिटी, परिपक्व होना। परिपक्व होना कुछ हेतुओं से युक्त और प्रतिपक्ष विहीनस्य, प्रतिबंधक रूप में उस ज्ञान को कोई प्रतिबंधक रूप में कोई नहीं होना चाहिए। ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के प्रतिबंधक कुछ कुछ हो सकते, बाधा पड़ सकती है ज्ञान में। समझ में बाधा पड़ने से आपकी जो समझ जो है, ज्ञान जो है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, गलत हो सकता है प्रतिबंधक के कारण। जैसे कि उदाहरण, सरल उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आपका नज़र में प्रतिबंधक पड़ गया हो, रूप का ज्ञान आपको पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। कोई रूप को आप देख लिया माने उस ज्ञान को प्राप्त करने में, रूप का अनुभव करने में आपको सहयोग आंख देती है। आंख में यदि कुछ कमजोर है या प्रतिबंधक पड़ गया, मिट्टी जी मैल जम गई, पानी जर रहा है आंख में, पानी से भरे हैं, रो रहे हैं, तो फिर आपका रूप अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। तो इसलिए आंख को मसल कर ठीक करके देखना होता है कभी कभी, कई बार आप। सो इसी ही इसी तरह ज्ञान में प्रतिबंध शून्य होना चाहिए। बाधा रूप में कोई, जिस ज्ञान में कोई बाधा बाधक नहीं पड़ना है। तो हेतुओं से युक्त होना चाहिए ज्ञान, वो सही ज्ञान है, और उस ज्ञान की धारा में कोई प्रतिबंधक नहीं होना है। सो प्रतिपक्ष विहीनस्य, प्रतिपक्ष विहीन विरोध रहित ज्ञान का, यद आत्म अनुभव निश्चय अवसानवत्वम, जो सही हेतुओं से इसकी उत्पत्ति की जो हेतुएं हैं वो सही है, ज्ञान में प्रतिबंधक कोई नहीं है, और उस ज्ञान में फिर निश्चय निश्चय रूप से यही हुए आत्मा, ये मही हूं, ऐसा अनुभव निश्चय रूप से जब हो जाता है, उस निश्चय रूपी ज्ञान को निष्ठा कहते हैं। ठीक है, फर्म अबाइडेंस इन नॉलेज। यदि मन में संस्कार बहुत है तो संस्कार ही बाधा के रूप में पड़ जाता है। इसी तरह क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बस सरल उदाहरण में दे रहा हूं समझाने के लिए, रात को नींद में प्रतिबंधक क्या है आपके लिए? कई प्रतिबंधकें होती हैं। प्रतिबंधक माने ऑब्स्टेकल्स, कई हो सकती हैं। अच्छा, कान में दर्द प्रतिबंधक है, शरीर में किसी भी अंग में, कोई एक अंग में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप सो नहीं सकते, ये प्रतिबंधक है ना। पेट खाली है, भूख लग रही है, प्रतिबंधक है। मिर्ची मसाला वाला खाना ज़्यादा खाया, पेट में जल रहा है, प्रतिबंधक है। अच्छा, खा लिया, आप खाने के बाद नींद में चले गए
नींद की धारा भंग हो जाती है। क्यों? एसिडिटी के कारण। रात को अचानक मुंह में कुछ आता है, निकलता है, कहाँ से आता है पता नहीं, पेट से। अच्छा, दिन में व्यवहार आपकी ठीक नहीं रही, नींद नहीं लगेगी, किसी के साथ झगड़ा किया, किसी के प्रति द्वेष, राग इत्यादि प्रदर्शन किया आपने, तो ये सब प्रतिबंधक होते हैं। माने नींद में जाने के बाद भी बुरा स्वप्न के माध्यम से आप जो बीत गए दिनों का अनुभव क्या बनते हैं? प्रतिबंधक बनते हैं। समझ में आ गया आपको? समाधि में भी प्रतिबंधक होते हैं। बस हाथ में मिला, छूट गया। कई अनुभव ऐसे ही हैं। ओहो, दुकान से आपने एक 100 ग्राम या 200 ग्राम मिक्सचर खरीद के नमकीन मिक्सचर वाला खा रहे हैं, मगर वो दुकान वाले में कुछ कुछ दो तीन बूंदी मिल गई गलत से। अब नमकीन खाते समय आपको मीठा अनुभव होता है, जब बूंदी अंदर चला गया, लड्डू बूंदी बनती है ना, लड्डू की बूंदी मीठी मीठी, वो अंदर एक चला गया, आपको अच्छा लगता है? लगता तो है, मगर वो नमकीन अनुभव की धारा में ये प्रतिबंधक है। क्यों? नमकीन का आनंद को छोड़कर बूंदी को ढूंढते हैं आप उसी पिक्चर में, माने शायद और एक मिल जाए। इसी तरह समाधि अनुभव में भी अनेक प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। संस्कार, जन्म जन्मों का संस्कार। भरत को क्या हुआ? एक ही प्रतिबंधक था, किसके साथ? हिरण के साथ प्यार हुआ, तो वो समाधि में ये भंग पड़ गया। तो ज्ञान की उत्पत्ति सही हेतुओं से हो और प्रतिबंधक शून्य हो, उसमें फिर निष्ठा, माने ऐसा जो ज्ञान को निष्ठा कहते हैं। तो जब ज्ञान निष्ठा परानिष्ठा जब कहते हैं, माने प्रतिबंध रहित, क्योंकि नींद में उड़ाने वाले आपको है कि नहीं अनुभव, संस्कार है। लड़के आ गए, सो गए, सो तो गए, आधा घंटे के बाद याद आ गया, वह संस्कार आपको जगा देता है। नहीं तो एक भयंकर मूवी देख रहे थे, देखते देखते सो गए, वही सपने में आया, प्रतिबंधक है। तो भगवान कहते हैं आचार्य जी, ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यद आत्म अनुभव निश्चय अवसानवत्वम्। निश्चय रूप से अवसानवत्वम स्थित होना, निश्चय रूप से यही आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है, विपर्यय भी नहीं है, संशय नहीं है, विपरीत ज्ञान भी नहीं है, संशय बिल्कुल नहीं है, यह संशय और विपर्यय दूर हो गया। और तस्य निष्ठा शब्द अभिलापात, उसी को कहते हैं निष्ठा। निष्ठा शब्द का अर्थ यही है। अब समझ आ गया बात आपको? जैसे नींद के उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बताया कि समाधि में भी यही होती है, इसलिए समाधि में निष्ठा की प्राप्ति के लिए, एक बार अनुभव आया चला गया, क्योंकि संस्कारों के कारण, प्रतिबंधकों के कारण।
तो मन का नाश नहीं हुआ। कभी कभी मन आपको मार्ग दिया, राह दिया, अनुभव किया, फिर मन भर गया संस्कारों से। एक ही संस्कार हो, कभी कभी जन्म जन्म लग जाते हैं। एक ही सीड है मेरे पास, बीज है, इस बीज से वृक्ष निकला, वृक्ष में कितने बीज होती हैं पता नहीं। आपने बोता नहीं, वह बीज नीचे गिर गया, फिर वृक्ष हुए। एक बीज काफी है। एक पुत्र या पुत्री काफी है आपको सताने के लिए, या नहीं तो आपको सुख प्रदान करने के लिए भी। आप सुख में भी फंस जाते हो, दुख में भी फंस जाते हो। सताने वाला पुत्र मिला तो फंस गए, इतना ज्यादा सुख देने वाले पुत्र मिल गए तो भी फंस गए। समझ आ गया बात। एक में प्रेम से, एक में द्वेष से, क्या संसार है ऐसा। सो ज्ञान की उत्पत्ति कैसी होती है, निष्ठा की प्राप्ति कैसे संभव, अब भगवान समझा रहे हैं। हेतु माने क्यों नहीं, शास्त्र आचार्य उपदेशेन। हेतु क्या है, शास्त्र और आचार्य का उपदेश हेतु बनती है। उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारणम, सहकारी कारण है, क्या है, बुद्धि विशुद्धि, बुद्धि की शुद्धि एक सहकारी कारण है। एंसिलरी कॉजेस, सपोर्टिंग कॉजेस, दे आर ऑल सहकारी कारण। अमानित्वाद च अपेक्ष्य माने सहायता से। अमानित्व कहाँ सुना आपने, कहीं सुने, 13 chapter, अमानित्वम मदंबित्वम अहिंसा क्षांतिराज्यम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च, ऑल दोस क्वालिटीज सहकारी कारण। ज्ञानोत्पत्ति में ये सब सहकारी कारण है, इसलिए वहां पे ज्ञान माने 13 अध्याय में ज्ञान का मतलब यही बताया वहां पे। ज्ञान ज्ञेय क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान का मतलब अमानित्वादि, यही ज्ञान है। ये कोई ज्ञान के सहकारी कारण है। तो जनितस्य, इन सभी सहकारी कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्म एकत्व ज्ञानस्य, उस सहकारी कारणों से जनित ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एकत्व ज्ञानस्य। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है, वो वास्तव में एक ही है। कत्राधिकार का भेद बुद्धि निबंधन सर्वकर्म संन्यास सहितस्य। ये भेद बुद्धि माने मैं करता हूँ, अहं कर्ता, अहं भोक्ता, ये मेरा कर्तव्य है, इस तरह की भेद बुद्धि नष्ट हो गया। निबंधन सर्वकर्म संन्यास सहितस्य, सर इन सभी एक सभी कर्मा कत्रा इत्या सभीों को त्याग दिया सर्वकर्म संन्यासों के द्वारा। स्वात्म अनुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम, स्वात्म रूप से अपने आप को जानकर आत्मा में स्थित हो ऐसा जो अनुभव जो है उसको कहते हैं सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते, उसको ज्ञान निष्ठा उच्यते। इसका मतलब क्या है, शास्त्र आचार्य जरूरी है, शास्त्र पढ़ना है, क्योंकि शास्त्र में पढ़ने से, अध्ययन करने से, सोचने से ना आपको पूर्ण रूप से ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि जीव क्या है, अनुभव कैसा है, क्या है, कैसा हो सकता है।
ध्यान लगना आसान हो जाता है। विवेक बुद्धि होने के कारण ऐसा शास्त्र का ज्ञान बोध करने वाला आचार्य चाहिए। ये सब सहकारी कारण बनते हैं, इनके द्वारा मैं करता हम भोक्ता सभी को त्याग दिया। संन्यास लेने से, इन सबको त्यागने से आत्मा में निष्ठा की प्राप्ति, उसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। उस ज्ञान निष्ठा, उसी को अपने आप को अवस्थानम, अपने आप में स्वरूपेण अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते, उसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे निष्ठा का मतलब आवृत्ति नहीं है, बार बार, एक बार ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो फिर आवृत्ति जरूरी नहीं है। यहाँ पे निष्ठा का मतलब ये है, सा इयम ज्ञान निष्ठा आर्त्रा आर्त आधि भक्तित्रय अपेक्षया परा चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्धि, सा इयम वही यह ज्ञान निष्ठा आर्त आदि भक्तित्रय अपेक्षया, आर्त अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी त्रय अपेक्षया चतुर्थी पराभक्ति ही, चौथा जो है चतुर्थी भक्ति पराभक्ति। चौथा चौथा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार आप और कुछ सोचते हैं चौथा के बारे में, ठीक है। चतुर्थी भक्ति पराभक्ति है, ठीक है, ओके। चतुर्थी भक्ति इति उक्ता, चतुर्थी भक्ति माने ज्ञान निष्ठा को ही चतुर्थी भक्ति कहते हैं। वह भक्ति भक्ति नहीं है, पराभक्ति है, पराभक्ति माने ज्ञान ही है। तया परया भक्त्या भगवंतं तत्वतः अभिजानाति, उस परम भक्ति के द्वारा, ज्ञान निष्ठारूपी परम भक्ति के द्वारा परमात्मा को जान लेता है, ठीक है। यद अनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि अशेषतः निर्वर्तते, उस ज्ञान प्राप्त होते ही, निष्ठा प्राप्त होते ही जीव और ईश्वर का भेद नाश हो जाएगा। जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद नाश होने के बाद न ईश्वर रह जाता न जीव रह जाता, फिर कौन रहता है? ब्रह्मा। अधिष्ठान ही बसता है, ठीक है। अतः ज्ञान निष्ठा लक्षणया भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुध्यते। सो कहना ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति के द्वारा वे मुझे जानता है, ऐसा यो जो कथन जो है, वचन जो है, इसमें कोई विरुद्ध नहीं है, विरुद्धता नहीं है, ठीक है। अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवत् भवति। देखिए आप कोई शास्त्र पढ़िए, वेदांत पढ़िए, आपको क्या सिखाता है वेदांत? निवृत्ति। इतिहास पढ़िए, आपको क्या सिखाता है इतिहास? वैराग्य और निवृत्ति। अच्छा, इतिहास माने रामायण और महाभारत, इति हा आस डज हिट हैपेंड सो लाइक दैट स्टोरी, हिस्ट्री, इतिहास रामायण और महाभारत पढ़ोगे आपको क्या मिलता है? वैराग्य। सो निवृत्ति विधायी, ये सब निवृत्ति विधायक है, प्रवृत्ति विधायक नहीं होते। लालच बनाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, ये करो, कीर्ति कमाओ, ये नहीं 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 नहीं, सब कुछ छोड़ा देती है। आप किसी भी ग्रंथ पकड़ो, समझेंगे आप एक ही बात है, निवृत्ति विधायी।
तो निवृत्त वेदांत इतिहास पुराण में निवृत्ति, कथाओं के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, गुणगानों के द्वारा आप में क्या वहां पे आपको क्या पढ़ाती है सब पुराण, निवृत्ति विधायी, निवृत्ति स्मृति पढ़ो गीता इत्यादि शास्त्र निवृत्ति, तो सभी में अर्थवत भवति, तभी ये सब अर्थवत भवति, सार्थक तभी बनते हैं, तभी ये सब ग्रंथ सार्थक है, क्योंकि आपको निवृत्ति मार्ग सिखाने वाले हैं ये सब, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति सिखाना कोई जरूरी नहीं है, ये प्रकृति सिद्ध है, प्रवृत्ति होना स्वभाव है, स्वाभाविक है ना प्रवृत्ति बनना। निवृत्ति के लिए अभ्यास चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। प्रवृत्ति के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, स्वभाव से सिद्ध है प्रवृत्ति बनना, बहिर्मुखी स्वभाव से सिद्ध है, अंतर्मुखी बनना हो तो प्रयास करनी पड़ती है। दुनिया की ओर नजर लगाओ कोई जरूरी नहीं, अपने आप हो गया। पांच घोड़ों को छोड़ जाओ, वे घूमते रहते हैं। तो प्रवृत्ति सिखाने के लिए कोई शास्त्र नहीं जरूरी चाहिए, नहीं चाहिए। निवृत्ति के लिए शास्त्र चाहिए, और निवृत्त होने के लिए जो तर्क चाहिए, उस सब के लिए शास्त्र जरूरी है, क्योंकि शास्त्र बताता है कि भैया निवृत्त क्यों होना है, प्रवृत्ति में क्या नहीं है, निवृत्ति में आपको क्या मिलता है। इसीलिए अर्थवत भवति, कभी ये सब अर्थवत भवति, सार्थक हो जाते हैं। विदित्वा व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, विदित्वा व्युत्थाय आत्मा को जानकर, व्युत्थाय विरक्त होकर भिक्षाचर्यम चरन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद, वैराग्यवान पुरुष कुछ भी नहीं चाहिए, वैराग्य ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। सुख शांति देने वाला क्या है? वैराग्य। मजा आएगा वैराग्य। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही सुखी है। एक उदाहरण देते गुरुदेव, मैं आपको ये उदाहरण बता चुका हूं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि आपका भूल हमारा हमारी उपाधि है। नारायण, उपाधि का मतलब समझ में आ गया ना आपको? उपाधि, आपका भूल इज इक्वल टू मेरी उपाधि। ओके, गुरुदेव क्या कहते हैं एक बार वैराग्य के बारे में मैं कह रहा हूं। वैराग्यवान सुखी है, ये मैं इसके लिए उदाहरण में दे रहा हूं। एक माँ बाप पिताजी माताजी और उनके एक पुत्र 5-6 साल का लड़का, तीनों भ्रमण करने गए। कहाँ? एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन को हिंदी में क्या कहते हैं आप? प्रदर्शनशाला, ये तो संस्कृत है, जो भी है। वहां घूमने गए, वहां पे एक साड़ी शॉप दिखाई दी पत्नी को, पति को दिखता नहीं है सब क्योंकि वो साड़ी शॉप है, सो दूर से दिखाई दी। इससे पहले बच्चा पकड़ लिया,
वहां जाने से पहले ही, क्योंकि उसको टॉय शॉप दिख गए, खींच लिया दोनों को, पापा 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 पापा। वो मना नहीं कर सकते, थप्पड़ नहीं दे सकते, सब जनता है देख रही है, तो उनके पीछे पीछे चले गए उसी दुकान में, खिलौने की दुकान, बहुत सारे हर एक तरह तरह के टॉय शॉप है उसमें। बच्चा हा 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 ब्रह्मानंद, वो बाहर आना नहीं चाहता। और पति पत्नी बोर हो रहे हैं, मम्मी पापा उसको खींचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो तो आता नहीं बाहर। उनसे गलत से पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, उसके बाद सारी दुकान पैक करो। उसने कहा पूरे दुकान पैक करो। उनको ना एक टॉय पकड़ा दिया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से इन दोनों को, इसको बच्चा को खींचा दोनों मिलकर, सोचा कि बस उसका मन घुमा दिया, दृष्टि घूम गई, बहुत बढ़िया है, और चलने पड़े। पत्नी घुस गई फिर सारी शॉप में बाद में 5-6 कदम के बाद, और बच्चा वहाँ पे तंग रहा है, तंग हो रहा है उनको कि मुझे पसंद नहीं है, क्या करना क्या है। वो बोलते हैं पप्पा और कुछ जाएंगे, पप्पा बोल रहे हैं मैं फंस गया हूँ। तो वो बोलता है कि डॉलिंग आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स टुडे, कोई बात नहीं मैं लाई हूँ, आपकी क्रेडिट कार्ड बोलती है। तो उसमें सारी दुकान में ये फंस गई, आती नहीं बाहर। बाहर बड़ी मुश्किल से माँ और बेटे, बाप और बेटे मिलकर उसको मम्मी को खींचा, कुछ एक सारी खरीद लेने के बाद वो रुस 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 बोल के आ गए, एक ही खरीदी बनी आई, एक नहीं दिया दूसरे ने। तीसरे दुकान कुछ देर के बाद शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स एंड ये महाराज ये फंस गया इधर, वो अंदर चला गया, पत्नी आती नहीं। वो बोलते डार्लिंग हैव यू एवर गिफ्टेड मी वन पेयर एवर सिंस वी गॉट मैरिड। बोलते आप ही शॉपिंग करते हैं, मैं कभी मौका नहीं, अभी मिला ना, अभी मुझे ले कुछ ढूंढो। इन टॉय शॉप मदर एंड फादर इज टोटली पीसफुल बिकॉज नो टॉय इज एबल टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस इन द माइंड। ऐसा एक कोई खिलौना नहीं है जो मन में, इन दोनों के मन में कुछ क्षोभ कर सके, उत्पादन कर सके, उत्पन्न, क्षोभित नहीं हुए दोनों। दूसरे दुकान में जाए, सारे के दुकान में पति और बच्चा, कुछ नहीं हो, उनको असर नहीं पड़ा मन में। और तीसरे दुकान में पत्नी और बच्चे को भी असर नहीं पड़ा। माने क्या है, ये वैराग्य है। माने खिलौने के दुकान में दोनों शांत है, साड़ी के दुकान में बाकी दो शांत है, शूटिंग शर्टिंग दुकान में बाकी दो शांत है। मन शांत है कि नहीं है, यही वैराग्य, वैराग्य ही शांति देती है। दुनिया के प्रति वैराग्य हो गया हो, हमेशा के लिए शांति ही है। महात्मा के लिए खिलौना और दुनिया बराबर है, सब पुतली पुतली है, कोई पुतला या खुद पुतली। आप गुस्सा करेंगे, वास्तव में पत्नी भी पुतली है, पति भी पुतला है, सब पुतली पुतलियां हैं बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि कभी भी बस्ट हो सकता है। देखा, ऐसा उदाहरण देते ही आप बड़े गंभीर बन गए सब लोग, डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग हैं। ऐसा देख रहे सब लोग, इतने साल पालन पोषण किया। वैराग्य ही है, इसलिए कह रहे हैं निवृत्ति विधायी भिक्षाचर्यम चरन्ति। शरीर स्थिति मात्र के लिए जो भिक्षा चाहिए वो मांगते हैं बस, और कुछ नहीं है। तस्मात न्यासमेषाम तपसाम अतिरिक्त माहो हो, तपस्याओं में, सभी तपस्याओं में संन्यास ही उत्कृष्ट है।
ये अंतरंग साह सभी अंतरंग साधनों में पुरुषार्थ के अंतरंग साधन होने के कारण संन्यास ही अत्यंत क्षेत्र है। संन्यासी ही न्यास एव अत्यरेचयेत, संन्यासी ही अत्यरेचयेत। तुलना करोगे संन्यास की जो जो महत्व है वही ज्यादा है सबसे। इति संन्यास कर्मणाम न्यास, संन्यास माने कर्मणाम न्यास संन्यास। वेदा वेदान इमं च लोकम अमुं च परिच्छेद्य, सभी वेदों को परित्याग कर दिया क्योंकि निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन त्रैविद्या विषया वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भव वेदों को भी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है किसी भी क्या संस्कृति में वो ऐसा कहते हैं कि आपका अपना ही शास्त्र के पार करके ऊपर जाओ। हम वेद को भी छोड़ देते हैं, वेद भी क्योंकि वेद अपराविद्या है, पराविद्या नहीं है वेद भी, तो वेद को भी छोड़ दिया। लोकम अमुम च परिच्छेद्य, ये सारे लोक को परित्याग कर लिया आपस्तम सूत्रास परिच्याग करके फिर सन्यासी बनो। च धर्मम अधर्मम च, महाभारत धर्म को भी त्याग दो अधर्म को भी त्याग दो सब कुछ को सबको त्याग दो इत्यादि। यह च दर्शितानि वाक्यानि, यह च माने गीता शास्त्रे अपि, गीता शास्त्र अपि नहीं गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में भी सन्यास जनक अनेक प्रकार के वाक्य गीता शास्त्र में है। Nobody can be happy other than a renunciate। फॉर्मल नहीं, ड्रेस पहनना घूमना नहीं, अंदर जो भीतर सन्यास ग्रहण कर लिया, लालच को छोड़ दिया, जो मिला संतुष्ट है, कोई इच्छाएं नहीं, बस शरीर मात्रा पिछते, शरीर यात्रा के लिए जितना भी जो भी चाहिए उसी उसी को रखा है, बाकी सब त्याग दिया, वही सुखी है। आप गुस्सा तो करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि 25 फोटोस रखते हैं पूजा के मंदिर में, दीवार के ऊपर से लेकर के नीचे तक। अब रोज उसकी एक एक धुलाई करना, साफ सफाई करना, हर में फूल लगाना, और एक फूल छोड़ दिया, भाई सब में एक, सभी सभी को एक में देखकर एक ही फूल लगाओ, नहीं बाकी सब लोग गुस्से करेंगे। फिर लाया क्यों, उन्होंने दिया, रखा क्यों, बस वो बस सोचा कि भगवान ही आया है मेरे घर में। कितने भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं, अनेक प्रकार के रूप। अब सो लो, पहुँचता नहीं, हाथ पहुँचता नहीं, स्टूल पे चढ़ता गिर जाता है, पैर टूटता है, बस नौ क्या क्या होते रहते हैं बाबा। इतना क्यों, एक ही शिवलिंग रखो, एक ही मूर्ति रखो, साधना करो, अपन के पास से करो, करना है तो। ऐसा फंसाने वाली बात है, एक रखो। न च तेषां वाक्यानां अनर्थक्यं युक्तम्, सभी वचनों को व्यर्थ मानना उचित नहीं है, अनर्थक्यं न युक्तम्। ये सब सभी वाक्य शास्त्रों में कहे गए इतने इतने सारे वाक्य व्यर्थ है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। न च अर्थवादवत्वं स्वप्रकरणस्था स्थात्वात्। देखिए अर्थवाद माने आपको किसी किसी शास्त्र में जिस विषय को आप बताना चाहते हैं शास्त्र में उपक्रम में, मैं इस विषय को प्रस्ताव करने जा रहा हूँ, ऐसा बताकर उस विषय का प्रस्ताव करने के बाद, ठीक है, उसी ग्रंथ में उसकी स्तुति या कुछ निंदा कभी कभी की जाती है, उसकी स्तुति और निंदा को अर्थवाद कहते हैं, ठीक है। मगर
जिस शास्त्र में जिस विषय का ही प्रस्ताव करके रखा है उसमें अर्थवाद का कोई प्रयोजन नहीं है। माने अर्थवाद माने स्तुति के लिए ही, केवल स्तुति के लिए ही, केवल निंदा के, भाई जिस विषय को आप प्रस्ताव करना चाहते हैं उसी विषय को प्रस्ताव किया ये ग्रंथ में, फिर उसकी स्तुति क्यों करनी है? जरूरी नहीं है, अर्थवाद जरूरी नहीं है। तो इसी सर वाक्य, सारे वाक्य अर्थवाद नहीं है, अर्थवाद के लिए नहीं लिखा है, बस केवल स्तुति के लिए लिखा है, नई बात ऐसी नहीं। विषय उस शास्त्र में जिस विषय में जिस विषय का जो प्रस्ताव करने के उस शास्त्र लिखा गया माने बताया गया शास्त्र में, उस शास्त्र का विषय ही वही है, तो उसमें अर्थवाद का कोई जरूरी नहीं है, स्तुति या निंदा कोई जरूरी नहीं है। यूलाजाइज और प्रेज, इज कॉल्ड प्रेज। तो काली बस केवल स्तुति के लिए ये सब वाक्य कहे गए नहीं, क्योंकि जो आप वाक्य पढ़े हैं जिसका जो अर्थ है उस अर्थ को प्रस्ताव करने के लिए ही वह शास्त्र में बताया लिखा, शास्त्र का प्रयोजन वही है, इसलिए अर्थवाद के लिए भी ये नहीं है। क्योंकि अर्थ स्वप्रकरण तत्वात, प्रकरण तत्वात उसी प्रकरण में है, दूसरे प्रकरण में नहीं है, खंडित करने के लिए। देखिए आप मैथमेटिक्स किताब लिख रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स की तारीफ करने के लिए, मैथमेटिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स तारीफ करने के लिए मैं ये मैथमेटिक्स किताब में लिख रहा हूं, लिखने के बाद वो स्तुति क्यों करनी, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका संकल्प ये ही है मैथ्स की, आप मैथ्स के बारे में बताना चाहते हैं, इसी तरह ये सारे वाक्य जो है अर्थवाद के लिए नहीं लिखे हैं। क्लियर? अच्छा, प्रच्छगात्म अविक्रय स्वरूप निष्ठत्वात् च मोक्षस्य। मोक्ष माने क्या है? प्रच्छगात्म अविक्रय स्वरूप निष्ठत्वात्। प्रच्छगात्म में माने अपने आत्मा में जो धारा है, चैतन्य का धारा, चैतन्य की धारा, उसमें निष्ठा की प्राप्ति ही मोक्ष है। अहम, मैं जो चैतन्य का अनुभव सब कुछ सबको हो रहा है, उसमें निष्ठा की प्राप्ति ही मोक्ष है। हमारी निष्ठा कहाँ है? कभी शरीर में, कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी टीवी में, कभी सीरियल में, कभी खाने में, टूट पड़ रही है ना। जब सत्संग में बैठे हैं वह ध्यान है, क्यों? अब आप आत्मस्वरूप का ही चिंतन हम करने हैं, करते हैं। यदि आप सावधान से सुन रहे हो तो रोज एक घंटा डेढ़ घंटा क्या होता है? स्वरूप चिंतनम। अब इस सुनने में भी टूट पड़ जाती है, टूटती है कि नहीं? धारा टूटती है, बीच बीच में घर आके आते हैं, टूट गया। सो नित्य प्रवाह आत्म चैतन्य में निष्ठा प्राप्त करना ही मोक्ष है, नहीं पूर्व समुद्रम जिगमिशो हो प्रातिलोम्येन प्रचक समुद्रम जिगमिशुना समान मार्गत्वम संभवति। कोई ईस्टर्न साइड जो जाना चाहते हैं समुद्र, तो उस समुद्र के ओर जो पूर्व समुद्र के ओर जाने वाले, पश्चिम समुद्र के ओर जाने वाले वाले के साथ मिलकर यात्रा करना चाहते हैं, संभव है क्या? इसी तरह कर्म और ज्ञान में ये कोई, ये मार्ग अलग है, वो मार्ग अलग है। इसी तरह प्रच्छगात्म विषय
प्रत्यय संतान करण अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा। बड़ा गंभीर वाक्य है। सो जब प्रत्यगात्मा प्रत्यय जो है, प्रत्यय माने वृत्ति, जो प्रवृत्ति माने यहाँ पे प्रत्यगात्मा का जो प्रतीति का निरंतर इसका दुराग्रह करके, दुराग्रह आग्रह करके, आग्रह करके उसमें निष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके वहां पे रहना ही क्या है, ज्ञान निष्ठा। प्रयत्न करना चाहिए, अपने आप को भूले बिना रहना है। आप म्यूजिक सुनते हो, सुनते समय सावधान होकर गायक या गायिका के साथ ही रहो, संभव नहीं है। आप एक क्षण दो क्षण के लिए सुनते हैं, बीच में ब्लैकआउट हो जाता है। मन को क्या है ना, ये अभ्यास कराना चाहिए कि जिस विषय को आप सुनते हैं समय, मन उसी के साथ रहना है। जो काम आप कर रहे हैं हाथों से, मन वहीं, आपका मन वहीं रहना है। ये अभ्यास करने से मन को ये आदत पड़ जाता है कि जो काम मालिक साहब ने दिया है, माने आपने देते हैं, आप दिए हैं, मुझे वहीं रहना है। ये आदत होना चाहिए। ये आदत पड़ने से क्या होता है, जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ, आदेश देता हूँ अंतर्मुख हो जाओ, मन अंतर्मुख हो जाता है। अब हमको ऐसा अभ्यास नहीं कराया मन को, तो प्रत्यगात्म विषय प्रत्यय संतान, संतान माने संतति, कंटिन्यूटी, उस प्रतीति का निरंतरता ही संतान है। तो निरंतरता उसमें जारी रखने की जो प्रयास है, रखने का प्रयास जो है, आग्रह जो है, वही ज्ञान निष्ठा। बलपूर्वक टगे रहना किसमें, उसमें, इन सेल्फ अवेयरनेस, उसको अभ्यास करना ही ज्ञान। साच प्रच्छक समुद्र गमनवत कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते। ये ज्ञान निष्ठा है। समुद्र गमनम, एक तो पूर्व के दशा पश्चिम की ओर जाने वाला मिलना संभव नहीं है। इसी तरह ज्ञान निष्ठा आपका अभ्यास करने वाले को कर्म के साथ जोड़ना संभव नहीं है। कर्म माने कर्ता है, कर्म है, फल है, राग है, द्वेष है, इच्छाएं हैं, इसके ये तो निवृत्त है। निवृत्त हुआ व्यक्ति ज्ञानी। सो पर्वत सर्षपयो हो, सर्षप माने राय, पहाड़ और राय के बीच में जितना अंतर है, उसी तरह कर्म और ज्ञान के बीच में इतना अंतर है। तो कर्म क्या है, राय, पहाड़ क्या है, ज्ञान। कहाँ ज्ञान और कहाँ कर्म, तुच्छ कर्म इस तुच्छ। अंतरवान विरोधः प्रमाणविदाम निश्चितः, प्रमाणविदुमेताओं के द्वारा यह निश्चित किया गया कि कर्म और ज्ञान के बीच में अंतर कैसा है, जैसा पर्वत और राय के बीच में है, ऐसा ही है। तस्मात् सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धम्। देयरफॉर सर्वकर्म संन्यास के द्वारा ही ज्ञान के में निष्ठा हो सकती है, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो छोड़ने का ही अभ्यास करो, कम से कम व्यवहार में जीना सीखो। कम से कम व्यवहार तो आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, हम यहीं समाप्त करेंगे आज। ओम पूर्णमदः।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।